तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री दूसरा अध्याय। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भलीभांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें।